हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ अदानी पावर एंड अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में। स्टॉक में देखा जाए तो आज के सेशन में तेजी देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं मैंने आपसे दो दिन पीछे वीडियो शेयर करी थी, मैंने आपसे कहा था अब मुझे लगता है जिस अदानी विलमार पे मैं हमेशा प्रॉफिट बुकिंग और निकलने की सलाह दे रहा था, 700 रुपए से 878 तक गया। वहां काफी लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया कि स्टॉक कहाँ आ गया, यहाँ आएगा वहां। लेकिन अब जो ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स मुझे लगते हैं अब बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है। अदानी पावर की बात करूं तो कल के सेशन में या परसों के सेशन में मैंने वीडियो बनाई थी जस्ट अराउंड 200, इन्हीं लेवल्स पे, एक्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, जहां मुझे लग रहा था कि अदानी पावर हमेशा अदानी के बाकी ग्रुप के स्टॉक से बाद में परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विलमार सारे गिरे, उसके बाद अदानी पावर गिरा। और आपने देखा कि कल दो तीन दिन से सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी आ गई है और अदानी पावर गिरा हुआ था। इसीलिए मैंने आप सभी के साथ इसमें भी बाय रिकमेंडेशन दी और स्टॉक आज आपको सर्किट पे दिख रहा है। लेकिन आगे की कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इन स्टॉक्स में क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी कौन से होंगे, लेवल्स और क्या होगा टारगेट, क्या होगा स्टॉप लॉस, इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। गाइस, एक चीज और, अगर आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। आपको करना केवल इतना है कमेंट करने का, मेरी वीडियोस के साथ साथ शॉर्ट्स को भी वॉच करना है ताकि जब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं अदानी विलमार के स्टॉक को लेकर। अदानी विलमार की बात करें तो अभी ये स्टॉक 599 ऑलमोस्ट 600 रुपए कह सकते हैं ट्रेड कर रहा है। 3% की तेजी है स्टॉक में, 608 का हाई है, 582 का लो है। 14 लाख शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं, 1.5 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। इस स्टॉक में ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, लगभग 278 रुपीज पर शेयर चला गया है स्टॉक। 800 रुपए का शेयर था, 900 रुपए का, इनफैक्ट 878 रुपीज का हाई लगाया स्टॉक ने, वहां से आप सभी ने स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी देख ली है। अभी इस स्टॉक की बात करूं तो 549 के एसएल से मैंने आप सभी के साथ बने रहने की सलाह दी थी और वही स्टॉक में अभी भी एसएल रहेगा, जो कि इस स्टॉक का पास्ट का करेक्शन मोड में जो लो लगा था वो है। यानी कि आप देख सकते हैं जब लास्ट टाइम स्टॉक गिरा था तो 549 तक ही गया था, अभी डबल बॉटम के करीब कहीं ना कहीं स्टॉक ने क्रिएट करा है 580 के आसपास, और स्टॉक यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहां से नीचे गया स्टॉक तो 549 ब्रेक होगा, जिसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको आती हुई दिख सकती है। इसीलिए अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो आप, तो 549 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। अदरवाइज अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 549 का ही एसएल होगा। एसएल काफी बड़ा है क्योंकि आप सभी को पता है स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता है। एक चीज देखने वाली जो है वो ये कि स्टॉक इतने दिन गिरा लेकिन वॉल्यूम्स बिल्कुल मिसिंग थे। वॉल्यूम्स 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख इस तरीके से आए, लेकिन जब ये स्टॉक भागता है तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ इस तरीके से वॉल्यूम्स आते हैं। यानी कि कोई बड़ा हाथ है ऊपर जो स्टॉक को ऊपर लेके जाता है तो फ्रेश बाइंग करता है, दबा के खरीदता है, और जब वो बेच देता है तो स्टॉक के वॉल्यूम्स गायब हो जाते हैं। और वैसे भी इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो सारा का सारा माल जो है वो बड़े लोगों के आदमी, इनफैक्ट प्रमोटर्स के पास ही है। सेम यही चीज आपको अदानी पावर में भी होती दिखेगी। स्टॉक जब चलता है तो काफी तेज वॉल्यूम्स आते हैं और जब गिरता है तो वॉल्यूम्स मिसिंग होते हैं। सारी की सारी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो प्रमोटर्स के पास है, बड़े आदमी में रिटेल इन्वेस्टर के पास कुछ है ही नहीं, 10-12% के करीब कहीं ना कहीं है, उसमें भी इतना पैनिक हो जाता है। 254 रुपीस के लेवल्स पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 98,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अदानी विलमार, अदानी पावर दोनों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार होता हुआ दिखा था, अभी दोनों का नीचे आता हुआ दिखा है, लेकिन अदानी पावर ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के पास ही बैठा है। अगर कल भी तेजी बन गई 2%, 4% की भी, तो 1 लाख करोड़ का पार हो जाएगा। स्टॉक की बात करूं 254 पे चल रहा है। रिजल्ट्स आप सभी ने देखे थे, बहुत ही ऑसम शानदार आए थे। हालांकि अदानी विलमार के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, लेकिन अदानी पावर के बहुत ही ज्यादा जोरदार नतीजे आए थे, जिसके बाद स्टॉक 2-4 दिन फिर भागा, फिर गिरना शुरू हुआ। इस स्टॉक की बात करूं तो इस स्टॉक में जो लो लग रहा है मुझे, मतलब जो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, वो 236 होगा, उसके बाद 222 होगा, और 222 मुझे लगता है फाइनल सपोर्ट होगा क्योंकि वहां स्टॉक ने डबल बॉटम क्रिएट करा है और वहीं बेस है लोअर लेवल का। यानी जब स्टॉक भागा था 122 से तो उसके बाद से 222 पे कंसोलिडेट करा 2-4 बार और डबल बॉटम बनाया, फिर स्टॉक फिर भागा और 300 रुपए का ही बनाया, अभी वहीं कहीं आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में पहला सपोर्ट 236 का है, दूसरा 222 का है। इन्हीं सपोर्ट के साथ होल्ड करने की सलाह, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। एक अपनी तरफ से मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि प्लीज इन दोनों ही स्टॉक में हैवी क्वांटिटी में काम
ना करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, सर्किट टू सर्किट चलने वाले स्टॉक है। अगर लोअर सर्किट लगता है तो आप बेच नहीं पाओगे और जिसके चलते आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टॉक में मोमेंट बड़ा है, मूवमेंट बड़ा है, 5% का चल रहा है, इसलिए आप लिमिटेड क्वांटिटी में काम करें, आपको प्रॉफिट और लॉस ऑटोमेटिकली ही हैवी शो होगा जो भी होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में चल रहा है स्टॉक। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरा व्यू दोनों स्टॉक्स पे अभी तेजी की साइड का है, स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्टली होल्ड करने की और बाय करने की सलाह है। ये मेरी वीडियो अदानी विलमार अदानी पावर पे, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।